तो जनप्रतिनिधि उनके साथ में है समाजसेवी और पूर्व मुखिया बेजन और जन पंचायत श्री संजय स्वामी की, साथ में राजेंद्र जी सेवा समिति के अध्यक्ष श्री और उनके साथ उत्तरा के विद्यालय शिक्षा मंत्री रामधन स्वामी जी, उन सभी का ग्राम में आगमन हो चुका है और अब से सभी तालियां बजा कर रहे हैं इधर से करवाइएगा और सम्मान अनाज होने जा रहा है। सभी दर्शकों से अनुरोध है कि कृपया सुव्यवस्थित ढंग से ही इस मैच का लुत्फ उठाओ, इसका आनंद खरीदना हो और कमिटी के सभी लोगों की ओर से भी निर्देश है कि ग्राम को पूर्णतः क्रिकेट के नियमानुकूल बनाने में और दर्शकों को उनको उचित स्थान पर रखने में सहयोग और नाम का सामना आयोजन के लिए सहयोग कर रहा है। कंचूची किसी प्लेट में नहीं लगा दूंगा अच्छे से पकड़ रहेगा टाइट एकदम आर्मी वाला पोजीशन में मास्टर लोग को बोले भाई तुम हट ना तो नहीं हम लोग काम कर रहे थे। वेरी गुड जय हिंद थैंक यू गाइस वी विल स्टार्ट सून। ने बताया था कि जैसे महुआवा की टीम ने बोला था कि काफी 200 रनों का लगभग उनका लक्ष्य रहेगा लेकिन वो उसमें कामयाब हो नहीं पाए और आपने भी बोला था कि टॉस जीत कर आप गेंदबाजी करना चाहते थे और उसमें आप पूरी तरह से कामयाब दिखे तो
आप लोगों ने क्या प्लानिंग की थी पहले से महुआवा टीम के लिए, उसके बारे में कुछ? सबसे पहले तो यहाँ के कमेटी का हार्दिक अभिनंदन करूंगा, तालियां तालियां। हमारी टीम को एंट्री देकर यहाँ पे खेलने का अवसर प्रदान किया, और पहले भी हम बता दिए कि यहाँ पर आके हम लोग बॉलिंग करना ही चाहते थे, इसलिए कि नया पिच है, पिच का कुछ पता था नहीं, खेले हुए इस पिच पे तो जमाना हो गया है, तो इसलिए पहले हम लोग बॉलिंग करके देखना चाहते थे कि बॉल क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, क्या मूवमेंट है बॉल का, उसके हिसाब से हम लोग बैटिंग करना चाहते थे। इसीलिए हम लोग सोचे कि पहले बॉलिंग करके कम रन पे रोका जाए, और हमारे बॉलरों ने इसका साथ भी दिया, जिसकी वजह से अगली वाली टीम को हमने कम रनों पर रोका और मैच को जीत। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद नीतीश जी आपका, और बहुत बहुत शुभकामनाएं आगे के मैचों के लिए। और उसके बाद मैं चलिए एक लड़का और कहाँ है संत? फोटो खींच के दे दी माशा के संत, वेल डन, गुड बैटिंग। एक बार जोर से तालियां बजा देना जब मिले मैन ऑफ द मैच। बैटिंग करने वाले संत कुमार जी को मेडल से सम्मानित किया जा रहा है, बहुत बहुत बधाई संत जी, और अब टूर्नामेंट में आगे भी अच्छे प्रदर्शन करें, और उसके बाद अब यशवंत जी को एक ट्रॉफी से सम्मानित किया जाएगा, एक्सपर्ट कोचिंग क्लास के संस्थापक अध्यक्ष अनीश कुमार के द्वारा। अनीश जी, यशवंत जी को पुरस्कार दीजिए। तालियां तालियां। मैन ऑफ द मैच का चयन किया गया यशवंत जी, जिन्होंने शानदार गेंदबाजी की थी, और संत जिन्होंने शानदार बैटिंग का प्रदर्शन किया था, और अपने प्रदर्शन के दम पे पीपला को एक तरफा मुकाबले में जीत दिलवाई। और मैं अब बोलूं बल्ली जी को किया पुरस्कार संत जी को। सेमीफाइनल में अपना स्थान सुरक्षित किया और अपने टीम को मैं पूछना चाहूंगा कुछ पूछना चाहूंगा अपने शानदार बल्लेबाजी की, काफी गगनचुंबी छक्के लगाए और अपनी टीम को शानदार मात्र 7 ओवरों में इस टीम अपनी टीम को विजय दिला दी। आपने किस तरह से प्रिपरेशन किया था इस टूर्नामेंट के लिए, और आप सिर्फ छक्के लगाए आपने, तो काफी शानदार बल्लेबाजी की, कुछ बताइए आज के अपने प्रदर्शन के बारे में। सबसे पहले यहाँ सभी दर्शकों का अभिनंदन करना चाहता हूँ, हार्दिक होता रहता है, और आप लोग सबसे जोर करने के लिए इतना अच्छा टूर्नामेंट कराया, उसको भी धन्यवाद देना चाहता हूँ, जो अपना समय निकाल कर हम लोग का भरपूर मैच देखे, बहुत बहुत धन्यवाद। रही बात मैच में, जो कि कम से कम 200 रुपया एक मशीन लगेगा।